पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक एक बार जंगल में हनुमान जी राम जी की भक्ति कर रहे थे। उसी समय शनिदेव वहां से गुजर रहे थे। शनिदेव के पास ऐसी शक्तियां थीं जिससे किसी का भी अहित हो सकता था। इसी वजह से उन्होंने अपनी वक्र दृष्टि से हनुमान जी को ढकने का साहस कर लिया और उसके बाद शनिदेव ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। संकट मोचक हनुमान तो राम की भक्ति में डूबे हुए थे, ऐसे में उन्होंने शनिदेव की किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। कुछ समय तक शनिदेव ने हनुमान जी का ध्यान भंग करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें फिर भी सफलता नहीं मिली। कुछ समय बाद शनिदेव ने हनुमान जी को फिर से ललकारा। शनिदेव का ऐसा लगता था कि इस बार तो वे हनुमान जी डराने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वे इस बार भी सफल नहीं हो पाए। अपना ध्यान करने के बाद हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली और बड़ी ही विनम्रता से शनिदेव से पूछा कि महाराज आप हैं कौन। जैसे ही यह सवाल शनिदेव के कानों तक पहुंचा, उसके बाद शनिदेव आग बबूला हो गए और गुस्से में कहने लगे कि मैं शनि हूं, तीनों लोगों को भयभीत करने वाला, और आगे कहा कि आज से मैं तेरी राशि में प्रवेश कर रहा हूं। उसके बाद शनिदेव ने कहा कि रोक सके तो रोक ले मुझे। ये बात सुनकर भी हनुमान जी ने विनम्रता से शनिदेव को बोला, आप अपना यह पराक्रम कहीं और दिखाएं, मुझे मेरे प्रभु भगवान राम का ध्यान करने दें। इसके बाद हनुमान जी फिर से राम जी की भक्ति करने लग गए। इसके बाद तो शनिदेव और ज्यादा भड़क गए। फिर शनिदेव ने हनुमान जी की बांह पकड़ ली। इसके बाद हनुमान जी ने एक झटके में शनिदेव के हाथों से बांह छुड़ा ली। फिर से शनिदेव ने हनुमान जी की बांह पकड़ना चाही। अब हनुमान जी को थोड़ा सा क्रोध आया और उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट लिया। इसके बाद हनुमान जी ने गदा से शनिदेव पर भीषण प्रहार किए और उन्हें बेहद चोट आई। इस चोट से राहत पाने के लिए उन्होंने सरसों का तेल लगाया। तब से शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा है।